हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे एंड क्विकली भी। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरा न्यू सिग्मा वहाँ पर फॉर्म होगा, सिग्मा को सिग्मा रिप्लेस करेगा, डेट्स इट। तो ये कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तो एल्काइल हैलाइड में हो सकती है, अल्कोहल में हो सकती हैं एंड ईथर में। ये तीन जगह पे आपको देखने को मिलेगा और ये दो तरीके से हो सकती हैं, एक SN1 बोलते हैं और एक SN2। प्रैक्टिकली इसको समझना हो तो एक वेरी सिमिलर एग्जांपल देता हूँ, जस्ट समझने के लिए है। काम जो होते हैं वो दो तरीके से लोग करते हैं, एक एक नंबर का काम होता है और एक दो नंबर का काम होता है, राइट। एक नंबर का जो काम होता है उसमें आदमी को खुद मेहनत करना पड़ता है, राइट, अकेला वो वर्क करता है। इसलिए यहाँ पर रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट डैट इज एल्काइल हैलाइड, या अल्कोहल होगा तो अल्कोहल, ईथर होगा तो ईथर पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे ये वन आया है, ऐसा आप याद रखेंगे। एक नंबर का काम अकेला आदमी करता है, दो नंबर के काम में वो तो रहेगा ही, दूसरे को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे दो लोग की ज़रूरत होती है, एक एल्काइल हैलाइड या अल्कोहल या ईथर होगा ही, दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी इसमें रहेंगे, इसलिए ये टू आया। तो उसी से हो गया वन, आने से ऑर्डर क्या हो गया, वन मॉलिकुलरिटी वन। यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएंगे, टू मॉलिकुलरिटी टू। जो वन नंबर का काम होता है टाइम टेकिंग होता है, इसलिए ये एक से ज़्यादा स्टेप में होंगे, राइट, मल्टीपल स्टेप में होंगे। और इसमें जो सबसे स्लो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगेन दो नंबर का जो काम होता है वो सिंगल स्टेप में, पैसा दो और काम लो, राइट, तो सिंगल स्टेप में होते हैं ये। चूँकि ये एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं इसलिए इसमें इंटरमीडिएट बनेंगे, और इंटरमीडिएट कौन बनेगा, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन जहाँ भी बनेंगे, तो आपको बता रखा हूँ, इसको पहले रीअरेंज कराना है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है। बट कि जो सेकेंड ऑर्डर वाली रिएक्शन होती हैं उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होंगे और उसका प्रोडक्ट बन जाएगा। बाय द वे ट्रांजिशन स्टेट इसमें भी होंगे, और ऑलवेज दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच एक इंटरमीडिएट होता है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। बाय द वे 1 डिग्री में ये रिएक्शन होंगी भी नहीं, और इसमें उसका जस्ट उल्टा होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये डिग्री का क्या मतलब है, उसको यहाँ पे समझाया है कि कार्बन से जो भी हैलोजन अटैच है, कार्बन से ध्यान दें, या अल्कोहल या ईथर, राइट, तो जिस कार्बन से ये अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। तो अगर ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा तो इसको 3 डिग्री, 2 कार्बन से अगर अटैच होंगे तो 2 डिग्री, और एक ही कार्बन से होता तो 1 डिग्री। सिमिलरली अगर बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे, ध्यान रहे बेंजीन से कोई कार्बन अटैच है उस पर हैलोजन है तो बेंजाइल, अगर बेंजीन पे डायरेक्ट हैलोजन है तो एराइल। सिमिलरली डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हैलोजन है तो अलाइल, और डबल बॉन्ड पे ही अगर हैलोजन है या अल्कोहल है या ईथर है तो उसको बोलेंगे विनाइल। तो यहाँ पे एक पॉइंट और समझना है कि कभी भी जो नंबर वन का जो काम होता है उसमें कोई स्टेरिक फैक्टर, कोई घूस की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट, उसमें कोई स्टेरिक फैक्टर वर्क नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा एल्काइल हैलाइड हो या अल्कोहल हो, राइट, इसमें स्टेरिक फैक्टर हम कंसिडर नहीं कर सकते। स्टेरिक फैक्टर मतलब क्राउडिंग, इसमें क्राउडिंग का कोई सेंस नहीं, क्योंकि आदमी अकेला वर्क कर रहा है तो उसको मालूम है हमारा काम भले लेट होगा लेकिन होगा, तो इसमें स्टेरिक फैक्टर या क्राउडिंग का कोई सीन नहीं है, बट इसमें स्टेरिक फैक्टर का प्रॉब्लम होगा, राइट, दो नंबर का काम है तो जितना ज़्यादा पैसा दोगे उतना जल्दी होगा, तो इसमें स्टेरिक फैक्टर का प्रॉब्लम आएगा। व्हाट इज स्टेरिक फैक्टर, तो वही चीज़ भी यहाँ पे है कि 1 डिग्री में ध्यान से देख सकते हो आपका 2 कार्बन होगा नहीं, 1 कार्बन हो सकता है, तो छोटा ग्रुप होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो ईजिली अटैक कर सकते हैं, इसीलिए इसमें स्टेरिक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि वही चीज़ को समझाया है कि जैसे यहाँ पे अगर ये 3 कार्बन होंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, फिर अगर 1 हाइड्रोजन आ गया तो उससे कम हो जाएगा, अगर 2 हाइड्रोजन आएंगे तो और भी कम हो जाएगा, और 3 हाइड्रोजन आएंगे तो और भी कम, रेट कम होती जाएंगी, बट यहाँ पे उसका रिवर्स होगा। विनो SN1 में कार्बोकैटायन बनते हैं, राइट, तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसी पे अटैक होगा, तो वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, और ये हो जाएंगे प्लेनर, राइट, प्लेनर होने की वजह से स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा, बिल्कुल ध्यान से देखो ये प्लेनर है, या मैं ऐसे दिखाऊं तो ये प्लेनर है,
इसलिए इस पर अटैक दोनों साइड से हो सकते हैं, इस साइड से भी राइट डैट इज बैक साइड, और इस साइड से भी डैट इज फ्रंट साइड। अगर मैं देखूं तो आप देखेंगे तो ये आपके लिए फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, तो दोनों साइड से अटैक हो सकते हैं, इसलिए बोथ साइड अटैक राइट। रेसिमाइजेशन मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रेड कलर, ये ब्लू कलर, ये ब्लैक कलर, ये तीनों डिफरेंट हो गए, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी अगर डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे ये पेन है और ये मार्कर है, ये सब डिफरेंट हो गए, तो एक कार्बन पे अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए तो रेसिमाइजेशन यहाँ पे बनेगा। क्यों? क्योंकि जितना ये बनेंगे आगे वाले अटैक वाले, उतना ही बैक साइड अटैक वाले 50% होंगे। तो अगर दोनों का इक्वल मिक्सचर हो, डैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर का इक्वल मिक्सचर हो, तो उसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन, और ये तभी बात होगी जब चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। बट वी नो कि जो SN2 है उसमें sp3 कार्बन पे अटैक होता है, और sp3 मतलब टेट्राहेड्रल राइट। टेट्राहेड्रल बोले तो ये इस टाइप से राइट, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। तो अब आप देखो इधर में बैक साइड से ही अटैक हो सकता है, के लिए इधर से तो अटैक ही नहीं हो सकता क्योंकि ये भी लिविंग ग्रुप पर भी माइनस है और न्यूक्लियोफाइल पर भी माइनस है, तो रिपेल हो जाएंगे। तो ये बैक साइड से अटैक करेंगे इधर से, और बैक साइड से अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, एक बिल्कुल अम्ब्रेला की तरफ सोच सकते हो, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेंगे, इसलिए बैक साइड अटैक। तो इन्वर्जन की बात कब करेंगे, जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, डैट मीन्स चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि आप SN1 कहाँ पे कराएंगे, तो जहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक समझे, वैसे सॉल्वेंट जो H+ देंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डैट मीन्स हाइड्रोजन फोन से अटैच होना चाहिए, जैसे वाटर, ROH अल्कोहल, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए, तो वहाँ पे आपको SN1 सोचना है। बट अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वहाँ पे SN2। पोलर अप्रोटिक का क्या मतलब है, पोलर तो होगा लेकिन हाइड्रोजन फोन से अटैच नहीं होगा, जैसे एसीटोन, तो ये पोलर अप्रोटिक है। बात समझ में आ गई, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। चूँकि यहाँ पे SN1 में आपको जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए वो वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए राइट, और इसलिए जनरली जो लोन पेयर वाले न्यूट्रल वाले हैं वो इसमें हम प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे SN1 होगा। लेकिन SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप कैसे पहचानेंगे, जिस पे नेगेटिव चार्ज, जैसे CN- OH- RO-। ऐसा क्यों, क्योंकि SN2 में वेट नहीं करेगा कि आप पहले लिविंग ग्रुप बाहर जाए फिर मैं अटैक करूं, वो एक साथ दोनों प्रोसेस होती हैं, दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं, अटैकिंग का भी और लिविंग का भी। बट इसमें कैसा होता है, पहले हेलोजन लीव कर जाएंगे राइट, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है, तो इसलिए इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट है, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये वेट नहीं करेंगे राइट। एक पॉइंट और यहीं पे समझेंगे, चूँकि इसमें कार्बोकटायन बनता है तो कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम रिएक्टिविटी को पहचानेंगे, इसलिए +M ग्रुप वाले सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन वाले, फिर प्लस है, फिर न्यूट्रल, फिर माइनस है, फिर माइनस है। डैट मीन्स कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी वेरी करेगी, और SN1 में ऑलवेज आपको कार्बोकटायन के बारे में थिंक करना है कि कार्बोकटायन कितना स्टेबल होगा, और उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट भी करवाना है। बट जहाँ पे SN2 की बात होगी तो वहाँ पे आपको थिंक करना है कि कार्बन पे कितना से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और कार्बन पे प्लस डेल चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब है कि -M ग्रुप सपोर्ट करेंगे, अगर कोई -M ग्रुप है तो वो रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे, फिर माइनस आए, फिर न्यूट्रल, फिर प्लस आए, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर +M। वैसे इसके स्टेबिलिटी के बारे में आपको पूरा आइडिया GOC में दे रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको ऑलवेज SN2 में ऑलवेज क्या थिंक करना है कि जो कार्बन पे अटैक हो रहा है वो लेस क्राउडेड होना चाहिए, उस पर कम से कम बिगर ग्रुप लगे होने चाहिए। एक पॉइंट और यहाँ पे समझना है, जो SN1 रिएक्शन होती है एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, इसलिए इसमें एक से ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट होंगे, और ऑलवेज दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच एक इंटरमीडिएट होगा, और धीरे धीरे ये जो पीक पॉइंट है वो कम होते जाएंगे राइट। बट जहाँ पे SN2 रिएक्शन की बात होगी तो वो सिंगल स्टेप में होती है, इसलिए उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट होगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये ग्राफिकली भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसलिए आपको क्लियर रहना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे इतना ही पीक पॉइंट नहीं होगा, और भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितना रीअरेंजमेंट होगा, बट मिनिमम दो ट्रांजिशन स्टेट होगा और एक इंटरमीडिएट होगा, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट होंगे। नाउ मेन ट्रिक, कि जो SN1 या SN2 रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड पे हो सकती हैं, अल्कोहल पे हो सकती हैं, एंड ईथर पे हो सकती हैं। तो एक पॉइंट जो क्लियर होना चाहिए आपको,
कि जिस कार्बन पर हैलोजन लगा होगा या OH या OR, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तभी आप SN1 या SN2 की बात करेंगे। अगर वो sp2 या sp हाइब्रिडाइज है तो SN1 SN2 होगा ही नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तभी हो सकता है जब जिस कार्बन से हैलोजन या OH या OR अटैच है वो sp3 हो, बाकी कार्बन के हाइड्रोजन कुछ हो चलेगा, लेकिन जिससे ये तीनों अटैच है वो कार्बन sp3 होना चाहिए, तभी SN1 SN2 की बात होगी। अगर वो कार्बन sp या sp2 है तो SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होगी, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। नाउ द क्वेश्चन इज कि एल्काइल हैलाइड के केस में अगर वो 3 डिग्री है, या फिर आप देखो कि हैलोजन हटाने के बाद वो कार्बोकैटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, तो वहाँ पे आपको SN1 रिएक्शन कराना है, फिक्स है, समझ गए। बट 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन रहा है तो आपको SN1 रिएक्शन कराना है। अगर 1 डिग्री है एल्काइल हैलाइड तो ऑलवेज SN2, आपको सोचना ही नहीं है। 2 डिग्री में सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा, 2 डिग्री में फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, डैट मीन्स वैसे सॉल्वेंट जो H+ दे सकते हैं, तो SN1 कराना है। और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, डैट मीन्स पोलर तो है, पोलारिटी तो है उसमें, बट वो H+ नहीं दे सकते हैं, तो फिर SN2 कराना है। तो एल्काइल हैलाइड में आपको ये मेन ट्रिक है। दूसरा जो है अल्कोहल में आपको क्या करना है, अगर HCl, HBr, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपको SN1 कराना है, डैट मीन्स इसमें डिहाइड्रेशन होगा, वाटर बाहर चला जाएगा अल्कोहल का OH, और इससे जो H+ मिलेंगे वो वाटर के फॉर्म में कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंज कराना है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को अटैच करना है। बट PCl3 या PCl5 हो तो ऑलवेज आपको SN2 कराना है। तो इसमें जनरली SN1 ही होते हैं, वेरी रेयर है SN2 और फिक्स है। सिमिलरली ईथर के केस में आपको ध्यान देना है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन में से या तो दोनों या कोई एक 3 डिग्री का हो गया या अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, तो SN1। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो कार्बन है उसमें से दोनों कार्बन या फिर कोई एक कार्बन अगर 3 डिग्री का निकल गया या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तो SN1 कराना है, अदरवाइज 1 डिग्री 2 डिग्री का अगर दोनों तरफ तो आपको SN2 कराना है। एक पॉइंट का ध्यान रखना कि इसमें जो ईथर में रिएजेंट है वो HI एंड HBr लेते हैं, इस पे बेस हम प्रॉब्लम भी देखेंगे। और एक और पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड है, राइट। अब इस साइड वाला ब्रेक करना है या इस साइड वाला, तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप दोनों ब्रेक करके देख लेंगे, जिसमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उस साइड वाला ब्रेक करना है। जैसे इस केस में अगर मैं इधर वाला ब्रेक करता हूँ तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव आएगा, ध्यान रहे पॉजिटिव और डबल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होता है, तो इधर वाला आपको ब्रेक नहीं करना है, फिर ये वाला ब्रेक होगा, बात समझ में आ गई। और उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस को ऐड कर देंगे। नाउ ज्ञान की बात, अगर कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक्स लगा हो या फिर बेंजीन से डायरेक्ट एक्स अटैच हो या फिर ब्रिज हेड कार्बन पे एक्स अटैच हो, यहाँ पे एक्स क्या है, हैलोजन या अल्कोहल या ओर ईथर, अगर ये तीनों ही हैं तो अगर डबल बॉन्ड पे होंगे तो विनाइलिक, बेंजीन से डायरेक्ट होंगे तो अराइलिक, और ब्रिज हेड वाले होंगे तो ब्रिज हेड, तो यहाँ पे ना तो SN1 रिएक्शन होगी ना ही SN2। ये वही केस हो गया, आपको बताया था कभी भी आपका हैलोजन या अल्कोहल या ईथर डबल बॉन्डेड कार्बन डेट इज SP2 या SP हाइब्रिडाइज से अटैच है तो ना तो SN1 रिएक्शन कराना है ना ही SN2, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे SN1 SN2 नहीं होगा। दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री वाले हैं, ये भी बाय द वे 1 डिग्री वाले हैं, बट यहाँ पे जनरली हम प्रेफर करते हैं SN1, क्यों, क्योंकि इस हैलोजन के जाने से जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहा था, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो SN1 आपको कराना है। बाय द वे यहाँ पे SN2 भी कराएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 कि चाहे वो SN1 रिएक्शन हो या SN2, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना रिएक्शन फास्ट होंगे, इसलिए हैलोजन के केस में आयोडीन वाला सबसे ज़्यादा फास्टली रिएक्ट करेगा, फिर ब्रोमीन वाले, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, इन जनरल। तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना फास्ट ये दोनों रिएक्शन होगी, दोनों का सेम कंडीशन है। आप कैसे चेक करेंगे, तो रिमूवल के बाद, रिमूव होने के बाद आप उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लें, जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, अगर उसमें रेजोनेंस हो रहा है तो और अच्छी बात है, जितना वो स्टेबलाइज होंगे उतना ईजिली वो रिमूव होंगे, उतना फास्ट SN1 या SN2 रिएक्शन होगी।
पॉइंट नंबर फोर जो है, कहीं पे भी अगर एक्वस एजी एनओ थ्री दिख जाए आपको या फिर मॉइस्ट एजी टू ओ दैट मीन्स सिल्वर कहीं पे भी दिख जाए तो वहाँ पे आपको एस एन वन कराना है इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से डिग्री का है, ध्यान रहे। बट यहाँ पे तो क्लियर है होगा नहीं, अगर वो एस पी थ्री हट आ जाए वन डिग्री हो तो भी आपको थिंक करना है कि वो एस एन वन के अकॉर्डिंग लेके चलना है, क्योंकि जो सिल्वर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एफिनिटर होते हैं हेलोजन के। एंड पॉइंट नंबर फाइव डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए ट्रिक है डीएनए। डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए का मतलब क्या है कि कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट दिखे तो नाइट्रोजन को अटैच करना है, डी फॉर डी ब्लॉक, एन फॉर नाइट्रोजन, ए फॉर अटैच, डीएनए। डैट मीन्स जैसे आरएक्स कोई भी अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन एजीसीएन से कराएंगे, तो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं एजी क्या हो गया डी ब्लॉक का, तो कौन अटैच होगा नाइट्रोजन, तो आरएनसी आइसो नाइट्राइल या आइसो साइनाइड आपको बनाना है। वैसे ही AgNO2 तो नाइट्रोजन अटैच होगा तो नाइट्रो वाला आपको बन जाएगा। बट वहीं पे KCN होता राइट, ये S ब्लॉक वाले हैं तो फिर C अटैच होंगे तो साइनाइड बनेगा या नाइट्राइल, और KNO2 होगा तो ऑक्सीजन अटैच होगा। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए वो कन्फ्यूजन से बचने के लिए DNA वर्ड याद रखो, D ब्लॉक का होगा तो नाइट्रोजन को अटैच करना है, अदरवाइज उसका उल्टा कर देना राइट। और ये कब आपको प्रॉब्लम आएगी, जब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होंगे, डैट मीन्स ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो डोनर साइट हो, तो ये ज्ञान की बात वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में ये रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट गिवन है, आपको प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ कि ये टू डिग्री है राइट, तो टू डिग्री में एस एन वन एस एन टू दोनों हो सकता है। बट ये जो आपने लिया न्यूक्लियोफाइल या सॉल्वेंट, ये न्यूट्रल वाले हैं राइट, लोन पेयर वाले, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या कराऊंगा एस एन वन, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल हो गए। तो एस एन वन कराने का मतलब क्या हो गया कि आप पहले यहाँ से बी आर हटा देंगे, तो देखो मैंने ये हटा दिया, कार्बोकैटायन बना देना है। अब ये कार्बोकैटायन चूँकि रीअरेंज होंगे, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन आपका यहाँ आ जाएगा और ये प्लस यहाँ, तो एक स्टेप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इस पे ये है राइट, और यहाँ पे आपका वो हेच आ गया इधर वाला, ये आपका ऐसे ही था और यहाँ पे प्लस। अब ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसके पास एट अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, इस कार्बन पे दो सी एच थ्री थे और वो ओ सी एच थ्री राइट, ये बन जाएंगे इधर सी एच टू सी एच थ्री, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ध्यान दें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना था उस पे ये दोनों ग्रुप सेम थे मिथाइल, अगर डिफरेंट होते ये ऑलरेडी एक डिफरेंट था इथाइल, अगर ये और कोई दूसरा ग्रुप होता, तीनों अगर डिफरेंट होते तो फिर यहाँ पे रेसिमिक प्रोडक्ट मिलता, डैट मीन्स 50% ये मिलता और 50% इसके दूसरे वाले डैट इज R और S मिलते। बट यहाँ पे कोई रेसिमिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों क्या है सेम, तो ये कायरल ही नहीं है, वो तभी बात होंगी जब कायरल होगा। तो क्वेश्चन नंबर टू में ये चार गिवन थे ऑर्डर ऑफ एस एन वन, आपको कैसे बताया एस एन वन के अकॉर्डिंग कि आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जब जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेंगे, एक यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेंगे और ये यहाँ पे, फर्स्ट जो कार्बोकैटायन बनेगा उसके अकॉर्डिंग थिंक करना है। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, प्लस इसका जो है वो प्लस सेम इफेक्ट है राइट, बट यहाँ पे जो है सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एटलीस्ट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या प्लस का इफेक्ट है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सी में होगा, फिर डी में होगा, फिर ए में होंगे, फिर बी में, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में ये एक रिएक्टेंट है और KOH दिया, अब हम कैसे थिंक करें, अगेन टू डिग्री है ये एल्काइल हैलाइड, तो यू नो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया क्योंकि इससे क्या मिलने वाला है OH माइनस, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या थिंक करना है आपको SN2, स्ट्रॉन्ग होते हैं SN2। अब यू नो कि एक तरह से कायरल है, कैसे, ध्यान से देखो, ये एक मिथाइल ग्रुप, ये एक BR, इधर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है राइट, और ये एक चौथा ग्रुप, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, SN2 हो रहा है तो इन्वर्जन होता है, बैक साइड अटैक होता है, BR अप में तो इधर में OH क्या हो जाएगा डाउन में, तो आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, अब आपको OH जो लाना है वो बैक साइड से राइट, और यहाँ पे जो आपका NH2 जैसे था, ध्यान रहे जिस पे अटैक हो रहा है उसको ही चेंज करना है, बाकी को आपको चेंज नहीं करना है, तो ऐसे ही रखना है। नाउ अगर आप ऑप्शन चेक करो तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है और बच्चे घबरा जाते हैं, ध्यान से देखो, तो ये दोनों बैक वाले हैं, जो पीछे से दिख रहा होगा वो उसको क्या लगेगा ये दोनों अप है, या फिर आप इसको क्या करो जस्ट ऐसे पलट दो 180 से,
180 से रोटेट करने पे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो आप देखो 180 से रोटेट करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ध्यान से देखो आप। तो अब ये डाउन थे तो अब ये अप हो जाएंगे आपके OH, राइट। ये डाउन थे तो ये भी अप हो जाएंगे, और ऐसा ऑप्शन कौन है, ध्यान से देखो तो सी। तो इस टाइप से आपको एप्लीकेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2-methylpropylbromide की रिएक्शन, एक बार C2H5O- से और एक बार C2H5OH से, तो ए भी मिलेगा तो उसका नेम बताना था और रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो पहले तो 2-methylpropylbromide बना लो, प्रोपाइल बोले तो ये तीन कार्बन, ब्रोमाइड बोले तो यहाँ पे और 2 पे मिथाइल, राइट। 1-2-2-methylpropylbromide हो गया, ये हो गया। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला, तो आपको बताया था फिर क्या करना है, SN2। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो लोन पेयर वाला है न्यूट्रल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, SN1। तो पहले तो ये क्लियर, SN2 में डायरेक्ट BR हट करके वो लगा देना है। तो यहाँ पे आपको कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका लग जाएगा OCH2CH3। अब ध्यान से देखो तो ये सेकेंड कार्बन पर मिथाइल है, तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल कितने कार्बन हो गए, 1, 2, 3, 4 कार्बन, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। और इधर क्या हो गया, ये इथाइल और ईथर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर। बट SN1 होगा तो आपको क्या बोला, पहले आप इसको हटा देंगे, राइट, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर रीअरेंज होगा, तो रीअरेंज होकर के यहाँ पे प्लस आएंगे, ये स्टेबल है। अब यहाँ पे आपको अटैच करना है, तो यहाँ पे आपका OCH2CH3 अटैच होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, टर्ट ब्यूटाइल हो गया, राइट, क्योंकि चारों इसके पास ये तीनों तरफ कार्बन ही है, टर्ट्स ब्यूटाइल इथाइल, राइट, और ईथर, ये है इथाइल आपका, तो ये नेम हो जाएंगे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में इस टाइप से गिवन है, तो ये pH मतलब क्या हो गया, बेंजीन हो गया S-, अगेन ध्यान से देखो तो ये निगेटिव वाला है, तो SN2 मैं कराऊंगा, कैसे, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये बता रहा है पोलर ऑपरोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये 2 डिग्री है, तो आपको बिल्कुल जो ट्रिक दे रखा है उससे पहचान जाओगे, निगेटिव आ गया तो SN2 कराना है और पोलर ऑपरोटिक है, चूँकि ये अप साइड में है तो ये सिर्फ क्या हो जाएंगे, बैक साइड में, बाकी चीज़ें आपको वैसे ही रहने देना है, बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं, क्योंकि जहाँ पर अटैक होता है बस वहाँ पर चेंज करना है। तो यहाँ पे ये अप साइड से था तो आपका वो S और pH जो है वो बैक साइड से आ जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये सब कंपाउंड गिवन थे, न्यूक्लियोफाइल के अटैकिंग ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे आपको कैसे सोचना है कि न्यूक्लियोफाइल पे खुद क्या नेगेटिव, तो वो वहाँ पे अटैक करेगा जिस कारण पे ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो डेफिनेटली पॉजिटिव इस कारण पर आने वाला है, Cl की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यहाँ पे आएंगे, बट ये ग्रुप सपोर्ट करेंगे क्योंकि -M है, तो पॉजिटिव को इंक्रीज कराएंगे। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये +M ग्रुप है, ये पॉजिटिव को कम करेगा, राइट, और यहाँ पे जब आएंगे तो ये तीनों ग्रुप ही मिलकर करके, क्योंकि ये ऑर्थो या पैरा पे, -M शो करने की वजह से पॉजिटिव को इंक्रीज कराएंगे, तो सबसे ज़्यादा 4th में अटैक होने के चांसेज हैं। उसके बाद ध्यान से देखो तो 2nd वाले में, फिर उसके बाद 1st वाले में, लास्ट में 3rd वाले में, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे ये GOC का क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन में कर रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपको रिएक्टेंट और ये रिएजेंट गिवन है, मेजर प्रोडक्ट, अगेन कैसे सोचना है, ध्यान से देखो, NaOH वाटर में डाला तो क्या मिलेगा, OH-, स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, चूँकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से रिएक्शन को क्या कराना है आपको, SN2 कराएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा आपका, राइट, और यहाँ पे ये जैसे था और ये चीज़ें, बस इतना ही कराना है, SN1 नहीं कराना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है, पाई बॉन्ड नहीं, तो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा इंटीजर टाइप में, 2। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में इसकी रिएक्शन HI से, ध्यान से देखो तो ये ROR है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 डिग्री है, राइट, तो आपको बताया था यहाँ पे आपको क्या कराना पड़ेगा, SN1 आइदर साइड अगर कोई एक 3 डिग्री हो जाता है या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं तो SN1 कराना है। अब बॉन्ड को किधर से ब्रेक करेंगे, तो भी बताया इधर से ही ब्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस स्टेबल होगा, तो आप क्या करो प्लस बना लो, राइट, तो ये ध्यान से देखो यहाँ पर ये मैंने प्लस बना दिया,
एच आई का क्या करना है, इधर से बाउंड ब्रेक किया तो इधर आई देना और इधर एच देना है। तो दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या, ध्यान से देखो, सी पे डी एच एम ई और वो ओ था उसके साथ ओ एच, तो ये लग गया। चूँकि अब इस पे आई माइनस का अटैक होगा और ध्यान से देखो तो ये तीनों डिफरेंट ग्रुप हैं, तो आई माइनस अटैक करेंगे, कार्बोकैटायन है, एसपी टू है, दोनों साइड में अटैक हो सकते हैं, बोथ साइड अटैक होने की वजह से यहाँ पे आपको रेसमिक मिक्सचर डेट मीन्स आर एस मिलेंगे। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट पूछा जाए तो दो इससे मिलेंगे और एक ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बना ही नहीं तो बस यही रहेगा, तो टोटल तीन प्रोडक्ट हो जाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं एच आई को एक्सेस में करता तो क्या होता सर, एक्सेस में करता हूँ तो फिर से ये ओ एच वाटर के फॉर्म में बाहर, ध्यान से देखो तो ये तीनों ग्रुप अगेन डिफरेंट, राइट। तो फिर यहाँ पे ओ एच की जगह कौन रहता है, आई, अगेन दोनों साइड अटैक, क्योंकि यहाँ पे अगेन एस एन वन कराना है आपको, राइट, पी सी एल थ्री या पी सी एल फाइव होता है तब एस एन टू अल्कोहल के केस में, तो यहाँ से भी दो प्रोडक्ट मिलते, तब इन डैट केस एक्सेस में टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाता है, चार। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इसकी रिएक्शन एच बी आर से कराना है, तो अगेन ध्यान से देखो आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे तो इधर पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड पे अनस्टेबल है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप, तो ये ब्रेक होगा तो ध्यान से देखो, एक तो आपको इसके साथ ओ रहेगा जिस पे ये एच बी आर का एच आ गया, और दूसरा ये सी एच टू पे वो एच बी आर का बी आर लग जाएगा और ये बेंजीन आपका रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन इंपॉर्टेंट है, H प्लस एच टू ओ, वो जो है वो 18 वाला डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो अगेन आपको इधर से ब्रेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा वो एरोमेटिक हो जाएगा, इधर से आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये जो H है वो इसके साथ O के साथ चला जाएगा आपका, राइट, तो ये इस टाइप से आपका डबल बॉन्ड के साथ ये OH रहेंगे। बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आप नहीं बना सकते थे, एंटी एरोमेटिक हो जाता, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा आप ध्यान से देखो, तो आपका ये इस टाइप से रहेगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव स्टेबल होता है, तो ये ओ एच, ये कौन सा वाला है, 18 वाला, तो ये ध्यान रखना ये ओ 18 वाला आता। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्वस ए जी एन ओ 3 है, पहली बात बताया था आपको ए जी जब भी एक्वस तो आपको रिएक्शन क्या कराना है, एस एन वन, एस एन वन कराने का मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बोकैटायन बना देंगे, चूँकि रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, एक्सपेंशन हो जाएगा, तो रिंग जब एक्सपेंड होगी तो वो इस टाइप से कुछ आ जाएगा और यहाँ पे प्लस। नाउ अटैक किसको कराएं, तो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, ध्यान से देखो एक्वस एजोनो थ्री मतलब वाटर भी है और एनओ थ्री माइनस भी है, चूँकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज है, इसलिए ये अटैक नहीं करेंगे, अटैक कौन करेगा, वाटर वाला, तो यहाँ पे कौन लाना आपको, OH, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, NO2 लगा देते हैं, वो गलत है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, वैसे तो देखा जाए बेटा तो और भी क्वेश्चन लिया जा सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है, आपको मैंने एक फुल आइडिया दे दिया है SN1 एंड SN2 कैसे आपको थिंक करना है, इस पे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, वैसे भी एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, राइट, तो ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में आप सारे चैप्टर को ख़राब कर लो, जितना आपको बताया वो सफिशेंट है, उससे आप कर सकते हो। इसी का दूसरा पार्ट है E1 एंड E2, उसको भी पहले आपको करना है तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हीट दे देंगे तो एलिमिनेशन कराना पड़ेगा, अभी तक हमने ये सारे रिएक्शन में हीट नहीं दिया, इसलिए SN1 या SN2 कराया। थैंक यू।